जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरफ्तार किए गए आरोपी से रुपए की मांग में साझा एसडीएम कार्यालय में पदस्थ फंसे बाबू एसडीएम ने की कार्रवाई। साझा एसडीएम कार्यालय में क्लर्क पद पर पदस्थ पवन वैष्णव पर प्रार्थी ने रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। मामले में अधिवक्ता संघ ने निलंब कार्रवाई की मांग की है, लेकिन एसडीएम टेकराम महेश्वरी ने दंडिक मामले से हटाकर अन्य मामले में क्लर्क पद पर बने रहेंगे ऐसा आदेश जारी किया है, जिस पर अधिवक्ता संघ ने असंतुष्टि जाहिर करते हुए कलेक्टर के समक्ष जाने की बात कही है। एसडीएम महेश्वरी ने मौके को समझते हुए निलंबन कार्यवाही के लिए कलेक्टर से चर्चा कर आगे की कार्यवाही का आश्वासन दिया है, जिस पर अधिवक्ता संघ ने संतुष्टि जताई है। क्लर्क द्वारा पूर्व में अधिवक्ता विनोद शर्मा से दुर्व्यवहार मामले में निंदा प्रस्ताव क्लर्क पवन वैष्णव के विरुद्ध पूर्व में भी अधिवक्ता संघ ने निलंबन की मांग की थी। पूर्व मामले में प्रतिष्ठित अधिवक्ता विनोद शर्मा के साथ दुर्व्यवहार और देख लेने की धमकी देने की शिकायत के साथ अधिवक्ता संघ ने निंदा प्रस्ताव लगाते हुए एसडीएम और कलेक्टर तक की कही गई थी, लेकिन उस समय भी बिना कार्रवाई के मामले को ठंडा बस्ते में डाल दिया गया था, जिस पर भीसंघ द्वारा वर्तमान में नाराजगी जताई जा रही है। वहीं इस मामले में एसडीएम टेकराम महेश्वरी, वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद शर्मा एवं जिला पंचायत सभापति गोविंद पटेल ने क्या बोला, देखिए इस खबर में खास रिपोर्ट। बेमित्रा से संजू जैन की रिपोर्ट। कांग्रेस की सत्ता सरकार तो चली गई, मगर कांग्रेसी मानसिकता का जो घुन है वो अभी भी कुछ है जो घुसे हुए हैं, और उनको लगता है कि वो उन लोग उसी धर्रे पे चला के अपना जेब गरम कर लेंगे। लगातार अभी पैसे का डिमांड होता था, आप लोग के द्वारा कुछ आगे कार्रवाई करोगे? अरे कार्रवाई कर रहे हैं और सतत उन पे निगाह रखी जा रही है, तभी तो पकड़े जा रहे हैं। हम लोग इस चीज को बारीकी से देख रहे हैं। अगर कोई किसान या किसी पीड़ित से अगर पैसे कोई बाबू मांग करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग खुद आगे आके उस पर कार्रवाई करवाएंगे। तो बदतमीज बाबू था, निहायत बदतमीज था, और वो शिक्षा डिपार्टमेंट से प्रतिनियुक्ति पे अनुभागीय अधिकारी सादा में निर्वाचन कार्य के लिए संलग्न किया गया था, लेकिन धीरे 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 वो अधिकारियों के बीच में अपना पॉइंट बनाते हुए वहाँ राजस्व संबंधी काम में ही प्रभार ले लिया। काम में भी ईमानदारी होनी चाहिए। हर बार अधिवक्ताओं को जो न्यायालय से जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे के कड़ी हैं, उनके साथ मिसबिहेव करोगे, अभद्र आचरण करोगे तो वहाँ पर तो निश्चित तौर पर अधिवक्ता आंदोलित होंगे, उग्र होंगे ही। तो अभी आगे क्या कार्रवाई करोगे? नहीं, उसमें तो उसमें हर रिकॉर्ड है हमारे अधिवक्ताओं के सामने में। 5,000 रुपया और 2,000 रुपया स्वतः के लिए, 7,000 रुपया डिमांड किया है, उसको सस्पेंशन के सिवा कोई हमारा कोई मांग नहीं, उससे कोई कम होगा भी नहीं। यहाँ एक रीडर है वैष्णव करके, जो दांडिक प्रकरण देखता था और राशन कार्ड से संबंधित प्रकरण देखता था, उनको अधिवक्ता संघ ने हटाने की मांग किया था। उनके द्वारा अधिवक्ता गणों को दुर्व्यवहार किया जाता था, अभद्रतापूर्ण बात करता था, इसलिए उसे हटाने की मांग किया एवं निलंबन की भी मांग की थी। हाँ ऐसा सुना हूँ, मैं नया नया ज्वाइन किया था, मुझे उतना आइडिया नहीं था, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है मेरे को, लेकिन अधिवक्ता ने बताया कि सर आपके नाम से पैसा लिया जा रहा है करके। मैंने तत्काल अधिवक्ता को भी बुलाया और वैष्णव बाबू को भी बुलाया, दोनों को बुलाया, और उसके बाद मैं तत्काल उसको यहाँ से रिलीव कर दिया, मूल विभाग उनका।